हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल बायोलॉजी विद दीप्ति जैन फ्रॉम वर्ल्ड मान कोचिंग मेरठ। तो आज मैं आप लोगों के लिए व्यूअर्स की डिमांड पे लेकर आई हूँ प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन चैप्टर। ये चैप्टर है सेकेंड यूनिट का फिफ्थ चैप्टर है और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस पे बेस्ड काफ़ी पूरी यूनिट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसमें सबसे पहले हम जो पढ़ेंगे वो लेंगे हम इसमें टर्मोलॉजी ऑफ जेनेटिक्स, क्योंकि ये जो चैप्टर है ये जेनेटिक्स का है। तो जेनेटिक्स जो है वो क्या होती है, स्टडी ऑफ जीन्स, जिसमें हम जीन्स के बारे में स्टडी करते हैं वो कहलाती है जेनेटिक्स। तो अगर हम जेनेटिक्स की स्टडी से पहले हम उसके टर्म्स पढ़ेंगे, टर्मोलॉजी पढ़ेंगे, तो हमारे लिए चैप्टर बहुत ईजी हो जाएगा और इसी पे बेस्ड पूरी जेनेटिक्स होती है। तो प्लीज़ बच्चों, आप लोग इसको टर्मोलॉजी को बहुत ध्यान से पढ़िएगा और अगर आपने जेनेटिक्स की टर्म्स क्लियर कर ली तो आपकी जो जेनेटिक्स है वो पूरी टिप्स पे आ जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं टर्मोलॉजी। तो फर्स्टली हम टर्मोलॉजी में लेते हैं जीन्स। व्हाट इज अ जीन्स? सबसे पहले हम बात कर रहे हैं जेनेटिक्स की, तो जेनेटिक्स में सबसे पहले क्वेश्चन आएगा कि जीन्स क्या होता है। तो जीन्स क्या होते हैं? जीन्स इज अ हेरिडिटी यूनिट। ठीक, क्या होता है? जीन्स इज अ हेरिडिटी यूनिट विच इज कैरीड फ्रॉम द पेरेंट्स बाय अ गैमीट इन अ क्रोमोसोम एंड कंट्रोल द एक्सप्रेशन ऑफ कैरेक्टर्स इन द यंग वन। किसी भी जो हेरिडिटी यूनिट बोल रहे हैं हम इसको, तो हेरिडिटी यूनिट का मतलब क्या हुआ? हेरिडिटी मतलब ट्रांसफर ऑफ करेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। जब करेक्टर्स एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसमिट होते हैं तो वो हेरिडिटी होती है। तो उसी तरीके से कौन उन करेक्टर्स को ट्रांसमिट कर रहा है? जीन्स कर रहा है। ठीक, जीन्स जो है एक पेरेंट से अपने यंग वंस में वो जो जीन्स ट्रांसफर हो रहे हैं गैमीट के थ्रू ट्रांसफर हो रहे हैं और वो जीन्स पर्टिकुलरली करेक्टर को एक्सप्रेस करने का वर्क करते हैं, तो उनको हम क्या बोलते हैं? जीन्स। तो जीन्स जो है फ्रॉम पेरेंट्स टू यंग वंस किसके थ्रू आता है? गैमीट्स के थ्रू आता है, क्रोमोसोम पर। तो इसीलिए केमिकली जो जीन्स होते हैं वो होता है लीनियर सेगमेंट ऑफ डीएनए। डीएनए का ही लीनियर सेगमेंट हमारा क्या कहलाता है? जीन्स। ठीक, तो अगर क्वेश्चन आता है कि जीन्स की लोकेशन कहाँ होती है तो क्या आएगा उसका आंसर? डीएनए। ठीक, तो उसी के बाद जीन्स जो हो गई हेरिडिटी यूनिट हो गई। अब बात आती है एलील्स की। तो पेयर ऑफ जीन्स अगर हम बोल रहे हैं, पेयर ऑफ जीन्स क्या कहलाता है? एलील। ये क्या करता है? पेयर ऑफ जीन्स दैट कंट्रोल द टू ऑल्टरनेटिव एक्सप्रेशन ऑफ सेम करेक्टर्स हैव द सेम लोकाई इन द होमोलोगस क्रोमोसोम वर कॉल्ड द एलील्स। अगर ग्रुप जीन्स का ग्रुप है और दो ऑल्टरनेटिव एक्सप्रेशन को सेम करेक्टर के एक्सप्रेशन को एक शो कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है और सेम लोकाई पे सिचुएटेड है तो वो क्या कहलाता है? एलील। जैसे हम यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल हमने लिया जैसे कैपिटल टी, ये हमने क्या लिया? टॉल। ठीक, टॉल का लिए एग्जाम्पल। उसी तरीके से कैपिटल टी स्मॉल टी, तो ये करेक्टर सेम करेक्टर को शो कर रहा है। सेम करेक्टर क्या हुआ यहाँ पर? सेम करेक्टर हुआ हाइट ऑफ प्लांट। हाइट ऑफ प्लांट के लिए जब दो ऑल्टरनेटिव एक्सप्रेशन आ रहे हैं, दो ऑल्टरनेटिव एक्सप्रेशन, एक तो ये हो गया कैपिटल टी और एक हो गया ये स्मॉल टी, तो इन एक्सप्रेशन को मिला के जब एक ये क्या बन रहा है, एक ही जो पेयर है ये क्या कहलाएगा? एलील। यानी कि यहाँ पे कैपिटल टी स्मॉल टी दो जीन्स हैं, है ना, मैंने बोला दो ऑल्टरनेटिव एक्सप्रेशन सेम करेक्टर के, यानी कि दो जीन्स प्रेजेंट हैं एक करेक्टर के लिए और जब वो एक साथ पेयर में आ गए तो क्या बन गया? एलील। ठीक है, तो एलील क्या हुआ? पेयर ऑफ जीन्स दैट कंट्रोल द टू ऑल्टरनेटिव एक्सप्रेशन इन द सेम करेक्टर एंड हैव द सेम लोकाई इन द होमोलोगस क्रोमोसोम्स, तो वो क्या कहलाता है? एलील्स। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट टर्म इसमें लेते हैं जीन लोकस। तो जीन लोकस जो होती है जिस पॉइंट पर, जिस पोजीशन पर जीन सिचुएटेड होते हैं उसको हम बोलते हैं जीन लोकाई। क्या हुई? जीन लोकाई। तो जीन लोकाई मतलब जीन लोकस एक स्पेसिफिक रीजन क्रोमोसोम का जो एक सिंगल जीन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जीन लोकाई या जीन लोकस हमने क्या बोला? स्पेसिफिक रीजन ऑफ ए क्रोमोसोम रिप्रेजेंटिंग अ सिंगल जीन और एलील इज नोन एज द जीन लोकस।
क्रोमोसोम के ऊपर एक स्पेसिफिक रीजन है, उस स्पेसिफिक रीजन पे जहां पर एक सिंगल जीन या फिर एलिल प्रेजेंट है, उस पोजीशन को हम क्या बोलेंगे, लोकाई, है ना। जैसे कि हमने सपोज करिए ये इस तरीके से क्रोमोसोम दिखा रहे हैं, इस तरीके से यहाँ पे क्रोमोसोम हो गया। तो यहाँ पे सपोज करिए यहाँ जीन्स हैं, ये जीन्स सिचुएटेड हैं, तो ये क्या हुआ इसका लोकाई, ठीक है। जिस पोजीशन पे जीन प्रेजेंट है क्रोमोसोम पर वो क्या कहलाता है, उसका लोकस, है ना, यानी कि उसका एक तरीके से हाउस हो गया, घर हो गया वो। नेक्स्ट हम यहां लेते हैं डोमिनेंट, डोमिनेंट जीन या फिर हम बोल सकते हैं डोमिनेंट एल। तो डोमिनेंट जीन जो होता है वो क्या कर रहा है, अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है, ये हमेशा करेगा, ऑलवेज एक्सप्रेस, ऑलवेज एक्सप्रेस इटसेल्फ, ठीक है। डोमिनेंट कौन होता है, जो अपने आप को पावर शो करे, जो अपने आप को शो ऑफ कर सके, अपने आप को किसी से सप्रेस ना होने दे, वो कौन है डोमिनेंट। जो दूसरे करेक्टर को सप्रेस कर सकता है वो कौन है डोमिनेंट। तो अगर यहाँ पे जैसे हम एक क्लास की बात करते हैं, तो क्लास में कुछ बच्चे एवरेज होते हैं स्टडी में, कुछ बहुत अच्छे होते हैं और कुछ क्या होते हैं, बेकार होते हैं, पुअर होते हैं। तो उसमें जो सबसे ज्यादा अच्छा होगा वो ही क्या आएगा क्लास में, टॉप करेगा। तो उसने बाकी को क्या कर दिया, सप्रेस्ड कर दिया, हरा दिया, लूज कर दिया, पीछे हटा दिया, तो वो कौन हुआ डोमिनेंट। उस क्लास के लिए डोमिनेंट कौन हुआ, वो टॉपर, वो टॉपर स्टूडेंट। और जो हार गए, जो फेल हो गए, वो कौन हो गए, सप्रेस्ड हो गए, यानी कि वो कौन हो गए, रिसेसिव हो गए। तो यहाँ पे हम डोमिनेंट की बात कर रहे हैं, तो डोमिनेंट कौन होता है, जो अपने आप को एक्सप्रेस कर सके और दूसरों को क्या कर दे, सप्रेस्ड, तो वो कौन होता है डोमिनेंट। डोमिनेंट जीन हमेशा हम लोग जो एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमने हाइट ऑफ हाइट लिया है प्लांट का, हाइट ऑफ करेक्टर में डोमिनेंट कौन हुआ करेक्टर, टॉल। टॉल जो हुआ है वो ड्रॉप को क्या कर देगा, सप्रेस्ड कर देगा। तो हमेशा डोमिनेंट जीन के लिए हम लोग हमेशा जो एक्सप्रेस करते हैं वो कैपिटल लेटर से एक्सप्रेस करते हैं। तो इसका एग्जांपल क्या बनेगा, कैपिटल टी और कैपिटल टी। एलिल में हमने ये पूरा क्या लिया, एलिल, ठीक। और ये क्या है, दोनों जीन, और दोनों ही कैसे हैं, डोमिनेंट हैं, ठीक है। तो डोमिनेंट जीन, फिर उसके बाद आता है रिसेसिव जीन। रिसेसिव जीन बोल सकते हैं या फिर हम क्या बोल सकते हैं इसको भी, रिसेसिव एलिल। तो रिसेसिव एलिल क्या हुआ, जो अपने आप को क्या कर रहा है, फेल कर रहा है, जो अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है, ठीक है, जो एक्सप्रेस होने में फेल हो रहा है, फेल टू एक्सप्रेस, फेल टू एक्सप्रेस इटसेल्फ, है ना, और सप्रेस्ड बाय द, सप्रेस्ड बाय द डोमिनेंट जीन। और जो जीन जिस करेक्टर की वजह से डोमिनेंट मतलब एक्सप्रेस हो रहे हैं, तो वो करेक्टर भी डोमिनेंट कहलाएगा, और जो करेक्टर सप्रेस्ड हो रहा है वो करेक्टर क्या कहलाएगा, रिसेसिव करेक्टर, ठीक है। तो यहाँ पे जो है रिसेसिव करेक्टर के लिए, रिसेसिव जीन के लिए जो हम एग्जांपल लेंगे, सपोज करिए हाइट लिया है, तो हाइट ऑफ प्लांट में जो डोमिनेंट करेक्टर है वो क्या है, टॉल, ठीक, और रिसेसिव करेक्टर क्या हो गया इसका, ड्रॉप। तो इसके लिए जो जीन आएगा वो क्या आएगा, स्मॉल टी, ये क्या हो गया इसका, एलिल, ठीक है, और ये स्मॉल टी क्या है, इसके जीन्स, ठीक। तो डोमिनेंट और रिसेसिव समझ गए। अब नेक्स्ट हम आती है इसमें होमोजाइगस ऑर्गेनिज्म, होमोजाइगस, ठीक है, होमोजाइगस ऑर्गेनिज्म बोल सकते हैं। होमोजाइगस, होमो मतलब सेम, तो जब सेम टाइप के इसमें जीन्स प्रेजेंट होंगे किसी भी एलिल के अंदर, किसी भी इंडिविजुअल के अंदर आइडेंटिकल एलिल प्रेजेंट होते हैं एक करेक्टर को लेकर, जिसमें जीनोटाइप और फिनोटाइप उसका क्या आ रहा हो, सेम, तो उसको हम बोलते हैं होमोजाइगस।
तो होमोजाइगस जो होता है वो जेनेटिकली प्योर होता है. ये क्या होते हैं? जेनेटिकली प्योर इंडिविजुअल. ठीक है, जेनेटिकली क्या है, ये प्योर इंडिविजुअल है. और इसमें क्या होगा, सेम टाइप का एलील प्रेजेंट होता है. ठीक है, इंडिविजुअल में क्या होंगे, आइडेंटिकल एलील, आइडेंटिकल एलील, आइडेंटिकल एलील होंगे इसमें जो है. और इसमें आइडेंटिकल एलील ऑफ ए करेक्टर. तो इसमें हम एग्जांपल कैसे लेते हैं, मैंने यहां पे एग्जांपल लिया होमोजाइगस, तो कैपिटल टी, कैपिटल टी. तो आप इसमें देखिए ये दोनों ही क्या है, डोमिनेंट. ठीक है, ये दोनों डोमिनेंट जीन है और दोनों डोमिनेंट जीन मिलके क्या बन गया, एलील. तो ये कैसा हुआ, आइडेंटिकल एलील. ठीक, उसी तरीके से यह हमने ले लिया स्मॉल टी, स्मॉल टी. तो इसमें दोनों जीन जो है वो कैसे हैं, रिसेसिव. ठीक, तो रिसेसिव जीन है दोनों सेम, तो ये क्या बन गया, एक आइडेंटिकल एलील. एक करेक्टर को लेके जब आइडेंटिकल एलील फॉर्म्ड हो रहे हैं तो वो कहलाता है होमोजाइगस. या तो उसमें जीन दोनों डोमिनेंट होंगे या दोनों जीन क्या होंगे, रिसेसिव. तो ये जिन ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होगा तो वो क्या कहलाएंगे, होमोजाइगस ऑर्गेनिज्म. उसी तरीके से हम नेक्स्ट हम इसमें लेते हैं हेट्रोजाइगस, हेट्रोजाइगस ऑर्गेनिज्म. तो हेट्रोजाइगस ऑर्गेनिज्म में ये जेनेटिकली इम्प्योर होते हैं. ठीक है, ये जेनेटिकली क्या नहीं होंगे, प्योर नहीं होंगे, ये नॉन आइडेंटिकल होते हैं. और इसमें जो फिनोटाइप और जीनोटाइप क्या होगा, दोनों का अलग अलग. मतलब यहां पे आप देखिए इसका फिनोटाइप यानी कि मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर अलग है, ये टॉल शो कर रहा है और ये क्या कर रहा है, शो. तो इसमें इसमें जो है, और इसी तरीके से इसमें अगर हम देखेंगे तो इसमें ये क्या हुए, नॉन आइडेंटिकल, नॉन आइडेंटिकल एलील्स प्रेजेंट होंगे इसमें. ठीक है, नॉन आइडेंटिकल एलील्स होंगे, जेनेटिकली इम्प्योर बोल सकते हो इनको, जेनेटिकली इम्प्योर. ठीक, जीनोटाइप अलग होगा, नॉट सिमिलर, नॉट सेम जीनोटाइप. ठीक, अब देखिए कैसे एग्जाम्पल हमने लिए यहां पर, तो एक एलील के अंदर दो डिफरेंट जीन्स होंगे, जैसे कैपिटल टी स्मॉल टी. तो ये देखो एक डोमिनेंट है, एक रिसेसिव है. तो ये मिलके क्या बन गया, हेट्रोजाइगस, हेट्रोजाइगस एलील बन गया. क्योंकि इसके अंदर देखो क्या आ रहा है, डोमिनेंट भी आ रहा है और रिसेसिव. जब दो नॉन आइडेंटिकल जीन प्रेजेंट हैं तो वो क्या कहलाया, नॉन आइडेंटिकल एलील, यानी कि हेट्रोजाइगस कंडीशन. हेट्रो मीन्स डिफरेंट. ठीक है, तो ये कहलाया, इसका जो जीनोटाइप होगा वो क्या है, सेम नहीं है. मतलब फिनोटाइप तो क्या आ रहा है, टॉल आ रहा है. देखो ये भी टॉल है और ये भी टॉल है, लेकिन दोनों का जीनोटाइप में फर्क है. ये प्योर डोमिनेंट है, ये कैसा आ गया, मिक्स आ गया, इसके साथ रिसेसिव भी है. क्योंकि डोमिनेंट क्या करता है, रिसेसिव को सप्रेस्ड कर देता है, इसलिए हमेशा क्या हो रहा है, डोमिनेंट का करेक्टर शो हो रहा है. तो ये क्या हुआ, हेट्रोजाइगस. फिर नेक्स्ट टर्म हम यहां पे लेते हैं जीनोटाइप. ठीक है, नेक्स्ट टर्म हम यहां ले रहे हैं जीनोटाइप. जीनोटाइप, जीनोटाइप क्या होता है, जेनेटिकली कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक, क्या होता है, जेनेटिकली कॉन्स्टिट्यूशन. ये हमारा जेनेटिक कंस्ट्रक्शन, जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन, जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ऑर्गेनिज्म. किसी भी का भी जेनेटिक मेकअप जो वो कहलाता है जीनोटाइप. अगर हम बात कर रहे हैं, जैसे हमने लिया एग्जांपल कैपिटल टी, कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी. अब देखो दोनों का मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर सेम है, दोनों ही करेक्टर, ये क्या आ रहा है, टॉल, और ये भी क्या है, टॉल. इसमें दोनों डोमिनेंट है, इसमें एक डोमिनेंट और एक रिसेसिव आ रहा है, ये हेट्रोजाइगस हो गया और ये क्या हो गया, होमोजाइगस.
तो दोनों का जो करेक्टर शो होगा वो तो दोनों क्या होंगे, टॉल होंगे, लेकिन इनका जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन अलग आ रहा है। क्यों आ रहा है? इसमें दोनों जीन क्या है, डोमिनेंट है, और इसमें एक जीन डोमिनेंट है और दूसरा क्या है, रिसेसिव है, तो इसलिए इनका जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन क्या हो गया, अलग। तो ये जीनोटाइप कहलाता है। ये क्या कहलाता है? जीनोटाइप, जेनेटिक मेकअप। किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर उसके जीन का जो डिस्क्रिप्शन दिया जाता है वो किसकी हेल्प से देते हैं हम, जीनोटाइप की हेल्प से। ठीक है, ये क्या हो गया, होमोजाइगस टॉल और ये हो गया हेट्रोजाइगस टॉल। ठीक है, अब उसी तरीके से हम नेक्स्ट टर्म लेते हैं इसमें, फिनोटाइप। तो फिनोटाइप क्या होता है, ये हो गया मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर जो शो कर रहा है। ठीक है, ये क्या शो करेगा, स्ट्रक्चर और फंक्शनल ट्रेट। क्या शो कर रहा है, शो द स्ट्रक्चर और फंक्शनल फंक्शनल ट्रेट्स को, यानी कि मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स को जो एक्सप्लेन कर रहा है वो क्या कहला रहा है, फिनोटाइप। अब ये एनवायरमेंट और जीन पर बेस्ड होता है। अब ये देखो आप, ये इन दोनों का जेनेटिक मेकअप अलग अलग है। देखो यहाँ पे ये होमोजाइगस है, ये हेट्रोजाइगस है, लेकिन इसका स्ट्रक्चरली या फंक्शनली जो शो हो रहा है वो क्या हो रहा है, टॉल। फंक्शनली क्या आ रहा है, ये टॉल। दोनों प्लांट कैसे हैं, टॉल, तो इसलिए इसका फिनोटाइप क्या आया, टॉल, और जीनोटाइप क्या आया, कैपिटल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी। तो ये होता है फिनोटाइप। उसके बाद हम टर्म लेते हैं जीनोम। तो जो कंप्लीट सेट ऑफ जीन, ये क्या कहलाता है, जीनोम। तो पूरी बॉडी में जो मतलब उसमें कंप्लीट सेट ऑफ जीन हो गया। अब वो एक हैप्लॉइड क्रोमोसोम में कितने जीन्स प्रेजेंट होंगे वो पूरा क्या कहलाता है, उसका जीनोम। तो हैप्लॉइड सेल में सिंगल जीनोम होता है और डिप्लॉइड सेल में टू सेट। ठीक, हैप्लॉइड बॉडी में कितना सेट होगा, वन सेट ऑफ जीन। ठीक, और डिप्लॉयड में क्या होगा, टू सेट ऑफ जीन। ठीक, यानी कि वन जीनोम होगा हैप्लॉयड में और टू जीनोम होंगे किसमें, डिप्लॉयड सेल में। ठीक है, यहां पे वन जीनोम, क्योंकि हमने जीनोम को क्या बोला, कंप्लीट सेट ऑफ जीन। किसी भी ऑर्गेनिज्म के किसी भी क्रोमोसोम के अंदर, हैप्लॉइड क्रोमोसोम में जितने नंबर ऑफ जीन, जितने कंप्लीट ऑफ जीन एक सेट में प्रेजेंट होंगे वो उसका जीनोम कहलाता है। फिर उसी तरीके से नेक्स्ट टर्म आती है इसमें, जीन पूल। तो जीन पूल क्या होती है, जहां पे कि जितने भी जीनोटाइप होते हैं किसी भी इंडिविजुअल में और जो उसका मतलब कि जेनेटिक मेकअप फॉर्म कर रहा है वो कहलाता है जीन पूल। All the genotype of an individual. वो क्या कहलाएगा, जीन पूल। ठीक, अब उसके बाद नेक्स्ट टर्म हम यहां लेते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस। आप टर्म्स को बहुत ध्यान से समझिएगा और अगर ये आपको टर्म्स क्लियर हो गई तो पूरा चैप्टर इजीली आपको क्लियर हो जाएगा। ये मोनोहाइब्रिड मतलब सिंगल वन। जब हम वन करेक्टर को लेके क्रॉस कर रहे हैं, क्रॉस ओनली फॉर वन करेक्टर। ठीक है, एक करैक्टर को लेके जब हम क्रॉस कर रहे हैं तो वो कहलाता है मोनोहाइब्रिड क्रॉस। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस की जो रेशियो आती है वो हमेशा क्या रहती है, 3:1। ठीक, जैसे हमने यहां पे क्रॉस करा रहे हैं, सपोज करो हाइट ऑफ प्लांट को लेकर, तो
तो ये करैक्टर एक हुआ, एक करैक्टर को लेके हम क्रॉस करा रहे हैं। तो जैसे मैंने एग्जांपल के लिए क्रॉस दिखा रही हूँ आपको, कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी, इससे ये गैमेट बने दोनों, और इससे जो ये हाइब्रिड बना कैपिटल टी स्मॉल टी। तो जब फर्स्ट जब पेरेंट्स फर्स्ट पेरेंट के क्रॉस करके जब फर्स्ट हाइब्रिड बनता है तो ये कहलाती है F1 जनरेशन, मतलब फिलियल जनरेशन। और ये एक करैक्टर को लेके क्रॉस हुआ है, कौन से करैक्टर को लेके, हाइट ऑफ प्लांट, तो क्या बन गया ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस। और मोनोहाइब्रिड में रेशो कितनी आती है, हमेशा 3:1। अगर मैं इसको दोबारा क्रॉस करूंगी तो वो कौन सा आ जाएगा, F1 जनरेशन। तो नेक्स्ट टर्म यहाँ पे होगी आपकी F1 जनरेशन, F मतलब फिलियल, ठीक है, F मतलब क्या होता है, फिलियल, ठीक है, F फॉर फिलियल। और ये जो है फर्स्ट प्योर पेरेंट जब क्रॉस करके हाइब्रिड बनाते हैं तो वो कहलाती है F1 जनरेशन। उसी तरीके से F2 जनरेशन क्या हो गया, जब F1 के हाइब्रिड आपस में क्रॉस करके नेक्स्ट जनरेशन डेवलप करेंगे तो वो क्या कहलाएगी, F2। ये किसके बीच में होगा, क्रॉस बिटवीन F1 हाइब्रिड, तो क्या आएगा यहाँ पे F2 जनरेशन। जैसे अगर मैं यहाँ पे कैपिटल टी का सेल्फ क्रॉस करा दूं तो यहाँ पे दो गैमेट बने, कैपिटल टी स्मॉल टी, तो ये जो क्रॉस आया ये क्या हुई, F2 जनरेशन, ठीक है। तो जब प्योर पेरेंट्स की क्रॉस करके फर्स्ट जनरेशन बनेगी, फर्स्ट हाइब्रिड वो F1, और जब F1 हाइब्रिड को हम क्रॉस कराएंगे तो कौन से जो हाइब्रिड बनेंगे वो होंगे F2 जनरेशन। तो यहाँ पे मोनोहाइब्रिड क्रॉस, F1 जनरेशन, F2 जनरेशन। अब नेक्स्ट टर्म हम लेते हैं यहाँ पे डाई हाइब्रिड क्रॉस। तो डाई हाइब्रिड क्रॉस जो होगा वो किसको लेके होगा, क्रॉस फॉर टू करैक्टर्स। जब हम टू करैक्टर्स को लेके क्रॉस करेंगे तो वो कहलाता है डाई हाइब्रिड क्रॉस। डाई मतलब टू। तो हमने यहां पे जैसे करैक्टर ले लिया शेप ऑफ सीड एंड कलर ऑफ सीड, ठीक है। तो ये क्या हुए, दो करैक्टर, एक तो शेप आ गई सीड की और एक क्या आ गया, कलर। तो इनके बीच में जब हम क्रॉस लेके, मतलब कि कोई भी दो करैक्टर को लेके जब हम क्रॉस करते हैं तो क्रॉस होता है डाईहाइब्रिड क्रॉस। और इसकी रेशियो जो आती है वो आती है 9:3:3:1, ठीक। अब इसके बाद नेक्स्ट टर्म हम यहां पर लेते हैं करैक्टर्स और ट्रेट्स। करैक्टर्स और ट्रेट्स, तो करैक्टर्स जो होते हैं जो हेरिटेबल फीचर्स जो होंगे वो क्या होते हैं, करैक्टर्स। हेरिटेबल फीचर्स क्या कहलाते हैं, करैक्टर्स, जो क्या हो रहे हैं, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसमिट हो रहे हैं, और डिफरेंट इंडिविजुअल्स में क्या हो सकते हैं, वो अलग अलग। जैसे हमने इसमें कोई भी करैक्टर ले सकते हो, जैसे अभी हमने हाइट ऑफ प्लांट लिया है, कलर ऑफ फ्लावर लिया है, कलर ऑफ सीड ले रहे हैं, शेप ऑफ सीड ले रहे हैं, तो वो क्या होते हैं, करैक्टर। जैसे हमने लिया हाइट ऑफ प्लांट, कलर ऑफ फ्लावर, ये क्या है, करैक्टर्स, ठीक। फिर नेक्स्ट टर्म आती है यहाँ पे ट्रेट्स। तो ट्रेट्स को आप सिंपली बोल सकते हो टाइप्स ऑफ करैक्टर, ठीक है, जो करैक्टर्स का टाइप होता है, यानी कि ईच वेरिएंट ऑफ ए करैक्टर वो क्या कहलाएगा, ट्रेट, ठीक। अब जैसे मैंने यहाँ हाइट ऑफ प्लांट लिया है तो हाइट ऑफ प्लांट में दो वेरिएंट होंगे, किसी भी करैक्टर के दो टाइप्स या दो वेरिएंट होते हैं, एक तो होता है डोमिनेंट और एक होता है रिसेसिव,
ठीक है, तो करैक्टर के दो ट्रेट्स हो गए, डोमिनेंट ट्रेट और कौन सा हुआ रिसेसिव ट्रेट। ठीक है, तो यानी कि जैसे यहां पे हाइट ऑफ प्लांट लिया है तो उसके दो ट्रेट हुए टॉल एंड ड्रॉप, टॉल इज द डोमिनेंट एंड द ड्रॉप इज द रिसेसिव ट्रेट। तो ये ट्रेट करैक्टर जो है ट्रेट से मिलके बन रहे हैं, है ना। तो अगर दो वेरिएंट है करैक्टर में तो वो दोनों वेरिएंट क्या कहलाएंगे, उसके ट्रेट्स। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट टर्म लेते हैं यहाँ पे टेस्ट क्रॉस। इंपॉर्टेंट है ये टेस्ट क्रॉस, पेपर एग्जाम्स में आ जाता है। और अभी टेस्ट क्रॉस और एक बैक क्रॉस बताऊंगी, दोनों में डिफरेंस आ जाता है। तो टेस्ट क्रॉस क्या आता है, जब हम F1 हाइब्रिड का क्रॉस एक रिसेसिव पेरेंट से क्रॉस कराते हैं, इफ F1 हाइब्रिड क्रॉस्ड विद रिसेसिव पेरेंट, तो वो क्रॉस क्या कहलाता है, टेस्ट क्रॉस। ठीक है, तो टेस्ट क्रॉस के थ्रू जो है इसकी हमेशा जो रेशियो आती है वो क्या आती है, 1:1। ठीक, ये हमेशा जेनेटिकली प्योरिटी को शो करता है ना। और इस वजह से हमने एग्जाम्पल क्रॉस करके दिखा रही हूं मैं, कैपिटल टी स्मॉल टी ये क्या है, पेरेंट्स। फिर इनके जो गैमेट बने कैपिटल टी स्मॉल टी, ये क्या बन गए, गैमेट्स। अब इनका क्रॉस हुआ तो क्या बन गया, कैपिटल टी स्मॉल टी, ये आ गया F1 जनरेशन, यानी कि F1 हाइब्रिड हो गया। अब अगर मैं इनकी सेल्फ क्रॉसिंग नहीं करा के, मैंने क्या बोला, जब F1 हाइब्रिड क्रॉस किससे हो रहा हो, रिसेसिव से, यानी कि इससे, तो हम किससे क्रॉस करा रहे हैं, रिसेसिव पेरेंट से। तो इसके दो गैमेट बनेंगे कैपिटल टी स्मॉल टी, इसका एक टाइप का गैमेट बनेगा स्मॉल टी। तो यहां पे ये आया स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी, तो क्या बन गया, कैपिटल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी और स्मॉल टी। तो एक करेक्टर क्या बना, टॉल, और एक करेक्टर क्या बना, ड्रॉप। तो रेशो क्या आ गई, 1:1। ठीक है, रेशो क्या आ गई, 1:1। ठीक है, इसमें हमेशा रेशो कैसी आती है, 1:1, यानी कि हर कोई जितने भी हाइब्रिड बनेगा वो सब इक्वल अमाउंट में फॉर्म्ड होता है। तो ये है टेस्ट क्रॉस, जब हम F1 हाइब्रिड की क्रॉस रिसेसिव पेरेंट से कराते हैं तो जो रेशो आती है वो 1:1 आती है, तो उस क्रॉस को हम क्या बोलते हैं, टेस्ट क्रॉस। तो इसमें जो है इसी तरीके से बैक क्रॉस हम लेते हैं, तो बैक क्रॉस में हम लोग जो क्रॉस कराते हैं वो कराते हैं किसका, F1 हाइब्रिड का क्रॉस कराएंगे आइदर ऑफ रेसेसिव और डोमिनेंट। ठीक है, तो इसमें हम लोग किसी भी पेरेंट से हम क्रॉस करा सकते हैं विद वन ऑफ इट्स पेरेंट्स। तो इसमें डोमिनेंट भी हो सकता है और रिसेसिव भी। तो डोमिनेंट हम यहां पे डोमिनेंट के साथ क्रॉस कराते हैं कैपिटल टी, तो इसका एक टाइप का गैमेट क्या बना, कैपिटल टी। और यहां पे अब क्रॉस में क्या फर्क आ गया, कैपिटल टी और ये बन गया कैपिटल टी स्मॉल टी। तो इसमें जो रेशियो है वो 1:1 ना रह के क्या हो गया, ऑल टाइप ऑफ हाइब्रिड्स आर सेम करेक्टर। देखिए दोनों का सेम करेक्टर है, टॉल शो कर रहा है, हाइट दिखा रहा है तो टॉल दिखा रहा है, सिर्फ जेनेटिक मेकअप अलग है इसका, जीनोटाइप अलग अलग है। ये होमोजाइगस टॉल बन रहा है और ये हेट्रोजाइगस टॉल, तो ये कौन सा क्रॉस कहलाया, बैक क्रॉस। टेस्ट क्रॉस में हमेशा रिसेसिव पेरेंट से क्रॉस होता है और बैक क्रॉस में किसी भी पेरेंट के साथ क्रॉस कराते हैं, जनरली जो है ज्यादातर किससे कराया जाता है, डोमिनेंट पेरेंट से। उसके बाद हम लेते हैं यहां पे रेसिप्रोकल क्रॉस। रेसिप्रोकल जो क्रॉस होता है वो क्रॉस में हम लोग क्या करते हैं, मेल और फीमेल को चेंज कर देते हैं। तो इसमें रिपीट क्रॉस कराने पर उनके पेरेंट्स के सेक्स को चेंज कर दिया जाता है। जैसे हमने सपोज करिए फर्स्ट क्रॉस में एक
जो है मेल है और बी जो है वो फीमेल। अब इसी तरह से हम सेकेंड क्रॉस करा रहे हैं, तो सेकेंड क्रॉस में हमने ए को ले लिया फीमेल और बी को क्या ले लिया मेल, तो ये क्या हुआ रेसिप्रोकल क्रॉस, जिसमें कि क्रॉस में सेक्स को चेंज कर दिया जाता है, यानी कि हमने बी ए प्लांट का मेल फ्लावर और बी प्लांट का सॉरी ए प्लांट का मेल फ्लावर बी प्लांट का फीमेल फ्लावर के बीच क्रॉस कराया। अब हमने नेक्स्ट क्रॉस में बी प्लांट का फीमेल सॉरी बी मेल बी प्लांट का मेल फ्लावर ले लिया और ए प्लांट का फीमेल फ्लावर ले लिया, तो इनके बीच के जो क्रॉस है जब सेक्स चेंज हो गए तो वो क्रॉस कहलाता है रेसिप्रोकल क्रॉस। तो यहाँ पे टर्मिनोलॉजी कंप्लीट होती है। अगर आपको मेरे कंसेप्ट समझ में आ रहे हैं और इजी लग रहे हैं तो प्लीज़ आप लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल, और मैं आपके पास जल्द ही बहुत एक अच्छी टॉपिक के साथ वीडियो लेकर आऊँगी। तो टिल देन बाय बाय।